नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। देश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, शरद पवार जो कि विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे की ना मौजूदगी में उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। खुद शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलने सीएम आवास पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद वहां से निकलते हैं और मीडिया से बिना बात किए निकल जाते हैं। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कुछ तो बड़ा चल रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं और ये जो मुलाकात का वक्त है वो ऐसे वक्त में है जब सीट के बंटवारों को लेकर तनातनी चल रही है आपस में, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, उनका गुट हो, इन तीनों पार्टियों को लेकर मतभेद जो है वो सामने आते रहे हैं। किस तरीके से अभी सीट बंटवारों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, आपस में इनकी बन नहीं रही है, तनातनी चल रही है। अब ऐसे में अगर शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलने जाते हैं तो जाहिर तौर पर है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। वैसे कांग्रेस भी एकला चलो रे का जो राग है वो अलापना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से नाना पटोले बयान देते आए हैं कि हम अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगे, उससे जो विपक्षी एकता है उसको बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग रहा है। अब ऐसे में सीट बंटवारों को लेकर लड़ाई हो रही है। उद्धव ठाकरे गुट जो है वो उन सभी सीटों को चाहता है जो अभी तक वो लड़ता आया है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का ये कहना है कि जब आप पहले लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर आप चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस वक्त आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है और यही वजह है कि हम आपको सारी सीटें नहीं दे सकते जो अभी तक आप लड़ते हुए आए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कोस रहे थे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आज वही उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। उनको कांग्रेस और एनसीपी ही आईना दिखा रही है, उनकी सहयोगी पार्टियां ही बता रही हैं कि बिना मोदी के सब कुछ सून है उद्धव ठाकरे का। दरअसल जो मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से, उस पर लौट कर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे जो हैं वो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे के बीच में सीट बंटवारों को लेकर कई सारे मतभेद सामने आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इसमें बताया कि हम लोग एक हैं और उद्धव ठाकरे, संजय राउत और तमाम जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उन पर पलटवार भी किया। लेकिन अब ये जो वक्त है सीट बंटवारों का, इसी वक्त के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से सीएम के आधिकारिक आवास पर वर्षा बंगले में मुलाकात की गई है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद ये पहली मुलाकात शरद पवार की है। शरद पवार ने मुलाकात की है एकनाथ शिंदे से और दोनों दिग्गज नेताओं की मीटिंग का ये उद्देश्य जो था वो साफ था। उद्देश्य यही था, प्रेशर पॉलिटिक्स, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जो है वो एनसीपी के साथ सीट बंटवारे कर रही है, उसको दिखाने के लिए शरद पवार ने एक बार फिर से इन लोगों को आईना दिखा दिया है। वहीं पर ये भी बता दिया है कि जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, अगर वो शरद पवार के मन मुताबिक नहीं होंगी तो दूसरा रास्ता जो है वो शरद पवार के लिए खुला हुआ है। शरद पवार एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार की हम बात करें तो उनकी नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ हैं, यानी कि पूरी तरीके से एनसीपी जो एनडीए गुट है वो उसके समर्थन में नजर आ रहा है। अब ये जो 40 मिनट की बातचीत हुई है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये बैठक इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे छुट्टी पर विदेश में हैं। ठाकरे छुट्टी पर परिवार के साथ हैं और उनके जून के पहले सप्ताह के बाद मुंबई लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बता दें, साल 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन खत्म कर दिया था और महाराष्ट्र में कांग्रेस और पवार के एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बनाई थी, लेकिन पिछले काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा है। सीट बंटवारों को लेकर भी तनातनी चल रही है। वहीं अजीत पवार की नजदीकियां जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से बढ़ रही हैं, तो शरद पवार भी शिंदे से मिलने पहुंच गए थे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या महाराष्ट्र में कुछ और ही अलग नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये आंकड़े सामने आए थे और ये पता चल रहा था कि जो महाविकास अघाड़ी गुट है वो 5% वोट बैंक जो है उसका वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी से ज़्यादा है। यानी कि अगर चुनाव होते हैं तो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो मिलकर अगर चुनाव लड़ता है तो वो एनडीए से ज़्यादा सीट निकालेगा। एनडीए मतलब यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे से ज़्यादा सीट निकालेगा। लेकिन अब शरद पवार अगर मिलने जाते हैं तो
तो कहीं ये कुछ और ही संकेत तो नहीं है, कहीं समर्थन जो है वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहा है। एक तरीके से जनता के बीच में भी सहानुभूति जाती है, जो बैठकें होती हैं, मुलाकात होती हैं, भले ये कहें कि राजनीतिक मुलाकात नहीं है, लेकिन जो वोट बैंक है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। लोगों को ये पता चलता है कि हाँ, शरद पवार एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं, तो जो थोड़ा सा भी अगर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो सरकार के लिए होता है उसमें अगर हमारे बड़े नेता अगर जिसको हम फॉलो करते हैं या हमारा पसंदीदा जो नेता है अगर वो उनसे जाकर मिलता है तो फिर हम वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। यानी कि जो ये मुलाकातें होती हैं वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी और अहम बैठक थी, देखते हैं इसके बाद क्या होता है।